मैं सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय को इस बात की बधाई देता हूं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर उन्होंने एक क्रांतिकारी फैसला दिया है, जिसमें ये उजागर हो गया कि किस तरह से ईडी आईटी सीबीआई का एक हथियार के रूप में काम केंद्र सरकार कर रही है पैसा वसूल करने के लिए, और इस बात को पूरे अच्छे ढंग से माननीय राहुल गांधी जी ने अपने बयान में कहा है। बात यह है कि मोदी जी एक तरफ कहते हैं शेल कंपनीज हमने समाप्त कर दी, लेकिन शेल कंपनीज से वो बॉन्ड्स खरीदे हुए उसका चंदा वसूल कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ये तो विरोधाभास है अपने आप में, इसका कोई जवाब नहीं देते। और इसका जवाब फाइनेंस मिनिस्टर ना देते हुए होम मिनिस्टर साहब देते हैं। माननीय चुनाव आयोग पूरे तरीके से आज इस तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से वे एक सरकार के एक डिपार्टमेंट हो। निष्पक्षता उनकी खासियत होना चाहिए, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपने विपक्ष के लोगों को हमेशा नोटिस दिया कुछ बोलने में, आपत्तिजनक भाषण देने में, लेकिन आपने प्रधानमंत्री जी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, उसका कोई उत्तर नहीं देते। हम आज इस बात के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि आपके सामने पिटीशन है, उस पिटीशन में इस बात को तय कर दीजिए कि निष्पक्षता से माननीय चुनाव आयोग काम करे, ईवीएम पर शेर शायरी करने के बजाय वे पूरे ईमानदारी के साथ निष्पक्षता से चुनाव की तैयारी कराएं, विपक्ष के नेताओं से वे चर्चा करें और हमारे जो प्रश्न है उनका उत्तर हमें दें। उन प्रश्नों का उत्तर आज तक नहीं दिया गया। बात यह है दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, हिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है, और देवी शक्तियां वो होती हैं जो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं। तो राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है।